देहरादून में शैलेश मटियानी पुरस्कार लेकर लौटे राजकीय जूनियर हाईस्कूल करोली के प्रधानाध्यापक नरेंद्र गोस्वामी का सोमवार को ग्रामीणों ने स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षक नरेंद्र गोस्वामी ने शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त कर क्षेत्र का तथा स्कूल का नाम रोशन किया है। यहाँ बता दें कि शिक्षक नरेंद्र गोस्वामी ने सुलेख लेखन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए कई बच्चों की लेखनी में सुधार किया है। साथ ही स्कूल में बेहतरीन शिक्षण कार्य को देखते हुए उन्हें शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में सम्मानित किया गया था। पुरस्कार लेकर लौटे शिक्षक नरेंद्र गोस्वामी का स्कूल तथा गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत से गदगद शिक्षक नरेंद्र गोस्वामी ने ग्रामीणों तथा सहयोगी शिक्षकों का आभार जताया है। आज शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित श्री नरेंद्र गोस्वामी जी के स्वागत के उपलक्ष्य में समस्त ग्रामवासी और समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों की ओर से किया गया। हमें आशा है कि ऐसी शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित समस्त गोस्वामी जी को आगे भी बच्चों के प्रति और समाज के प्रति ऐसी भाव और निष्ठा रखें और निकट भविष्य में भी बच्चे इसी तरीके से यहाँ पे पढ़ाई करते रहे और यहाँ की स्कूल की जो मुख्य समस्या थोड़ा समस्याएं जैसे फील्ड का अभाव और थोड़ा चहार दीवारी वो नए कक्षा कक्षों का निर्माण पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यहाँ पे एक एनुअल फंक्शन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा रखी गई स्कूल की समस्याओं के लिए उसका भी निदान जनप्रतिनिधियों के द्वारा होना अति आवश्यक है। हमारे सरकार का स्वागत के लिए सम्मान समारोह रखा था जिसमें हम बड़ी गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय के श्री प्रधानाध्यापक श्री नरेंद्र गोस्वामी जी शैलेश मटियानी पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं और वो उसके असली हकदार हैं भी, वो इस लायक हैं भी और हम यही कामना हमारे गर्व की बात है। आज हमारे विद्यालय को हमारे सर हमारा विद्यालय हमारे एसएमसी हमारे ग्रामवासी सभी ने हमारा सहयोग किया तो तब हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हम आगे भी कामना करते हैं कि हम इस विद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमारे साथ हमारे सर हैं तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे बच्चे तरक्की करते रहेंगे और इतना सारा देर हमारे सर को जाता है। जब से ये लगातार इस विद्यालय में जब से आए हैं तो लगातार विद्यालय में अंदर तरक्की करता रहा, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहे तो हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे शिक्षक के साथ है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ हमारे सर के साथ हम भी रायपुर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी यही शुभकामनाएं हैं सर को कि आप शैलेश मटियानी तो ले लिया है लेकिन आगे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका चयन हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीटीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।